हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएससी सर्कल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास टेंथ का केस स्टडी का क्वेश्चन। केस स्टडी में सबको कन्फ्यूजन होता है, सर होते हैं 10 क्वेश्चन, बनाना है 8 क्वेश्चन। ओके, अगर चार चार बनाए कि डायरेक्ट 8 बना ले, क्या करें? देखो पहले समझ लो इसका फॉर्मूला। ऐसा है कि लगातार 8 भी बना लोगे तो सही है, 5-3 ऐसा। ओके, तो केस स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन अगर समझ गए ना, तरीका समझ गया ना, तो तुरंत बना लोगे। अच्छा सर 10 बना लिए तो क्या होगा? सिर्फ 8 कंसीडर होगा, ऐसा नहीं कि 0 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी पढ़ने से पहले सब चैप्टर का कम से कम 2 केस स्टडी पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का केस स्टडी। ये दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन कि एक मान्या एक बॉडी पोस्चर है जो है मेडिटेशन पूजा। आजकल कोई मेडिटेशन नहीं करता है, लेकिन ठीक है, करना चाहिए। ओके, योगा है, मॉडर्न योगा एक्सरसाइज, ये सब चीज़ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेस कैन बी रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, द शेप ऑफ द पोजेस, बहुत सारा ग्राफ भी दिया हुआ है, पीछे ग्राफ भी बना हुआ है। ओके, तो ऐसे बनाना है। पहले इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ओके सर, कुछ चीज़ क्या है? नोट, कुछ चीज़ ये है कि सर पहले एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सपोज बी जीरो हो जाए, ओके, तो इसको वाई मानते हैं, सपोज वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, ऐसा सी भी जीरो हो जाए सपोज। ओके, देखो जाए, ध्यान से देखना। ओके, तो एक्स स्क्वायर और ये वाई, वाई की तरफ है ना, वाई ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसा ग्राफ। ये जो है लड़की ऐसी करके पोज है लड़की का। ओके, इसमें क्या होता है, ए जीरो से कम, इसमें ए जीरो से बड़ा, भाई ठीक है। ओके, तो देखना, ध्यान से देखना। ओके, ए एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई पे पावर नहीं है तो ऐसा हुआ। अगर ऐसा होता, ऐसा तो इसमें है नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि ओके वाई स्क्वायर इजकल टू ए एक्स, एक्स की तरफ है तो ऐसा होता, एक्स की तरफ, या इधर होता या इधर होता, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए। ओके, तो ये है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं सर? नंबर ऑफ जीरोज तो मतलब ये ऐसे ऐसे नंबर ऑफ जीरोज निकालने भी जानते हैं। ओके, कुछ और चीज़ सीखते हैं इसको बनवाने से पहले, और है कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या इक्वेशन? इक्वेशन क्या था पॉलिनोमियल? मेरे साथ बता, चलो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। जब इतना सीख गए, अब हम लोग बनाने चलते हैं, ठीक है सर, देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन, द शेप ऑफ द पोज इज सोन इज, देखो लड़की को देखो बढ़िया से, ठीक है। ओके, फिर एग्जाम क्वेश्चन देखना अच्छे से, और कैसे नहीं। सो पहला है पैराबोला, क्या है? पैराबोला। तो कैसा ये साइन है? ये पैराबोला का है, ठीक है। ओके, तो पहला का क्या होगा? डी। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग, द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा तो ए क्या होगा? लेस देन जीरो, तो क्या होगा? सी। ओके, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल? अच्छा, 1, 2, माइनस 2 और 4 दिख रहा है, तो तीसरा का होगा, 2 पॉलिनोमियल है सी। ओके, यहाँ तो 49 नंबर है, फोर्थ नंबर, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 जीरोज इन द अबव सोन ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में तो माइनस, तो अल्फा क्या है? अल्फा है सर माइनस 2 और बीटा है 4। तो इक्वेशन क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। हर रोज दो दो केस स्टडी बनाना है भाई। ओके, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक्स स्क्वायर, ओके, 4 माइनस 2 क्या 2, माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो बहुत सारा बन सकता है, तो इसमें k लगा दो, बहुत सारा है बन सकता है, तो 4 का, चल भैया a मिल गया, हाँ। ओके, 5 नंबर, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल r। अच्छा, जीरोज निकालना है। ओके, क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 √3 3, 4 2 8 8 3 24, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 8 3 24 24 को 8 3 में तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते हैं, तो 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ओके, कॉमन क्या आया, √3x प्लस 2 माइनस, ओके, √3 लिए,
तो रूट थ्री एक्स प्लस टू, अगर रूट थ्री एक्स प्लस टू जीरो होगा और ये क्या होगा फोर एक्स माइनस रूट थ्री, इसको जीरो के इक्वल करो तो एक्स और क्या होगा माइनस टू बाय रूट थ्री, तो एक आंसर होगा माइनस टू बाय रूट थ्री और एक आंसर इसको जीरो के इक्वल करोगे तो कितना आएगा रूट थ्री बाय फोर, यानी इसका मतलब क्या हो गया बी, ठीक है ओके।